कई सारे प्रत्याशी हैं, जैसे कांग्रेस के हैं, बीजेपी के हैं और सपा बसपा का गठबंधन है, तो आपको कौन प्रत्याशी सबसे अच्छा लग रहा है, किसको वोट देना चाहेंगे? सुशीला दिनकर। उनको क्यों देना चाहेंगे? अरे हमारे समस्या का समाधान होगा। क्या समस्या का समाधान है उनके पास? अरे हम लोग बहुत जिल्लत की जिंदगी झेल रहे हैं, इसीलिए हमारे समाज में बहुत ही ये आपके हाथ में क्या लगा हुआ है, क्या है ये हाथ में? पेपर है। पेपर, ये तो स्टाम्प पेपर लग रहा है। स्टाम्प पेपर। सुशीला दिनकर का। क्या लिख के दिया है इन्होंने पेपर में? ये सारे मुद्दा लिख कर दिया है कि सारी समस्या का हल करने वाली है मैडम। ये लोकसभा चुनाव घोषणा पत्र 2019 है। हाँ। यानी मैडम जी ने लिख के दिया अपना घोषणा पत्र। हाँ, अपना घोषणा पत्र लिख कर दिया मैडम। जैसा कि आप देख पा रहे हैं वीडियो में, बहुजन मुक्ति पार्टी जो 55 अम्बेडकर नगर लोकसभा सीट है, तो यहाँ आम चुनाव 2019 लोकसभा होने जा रहा है, जिसमें कि बहुजन मुक्ति पार्टी से माननीय सुशीला दिनकर जी प्रत्याशी हैं मैदान में, और उन्होंने अपना घोषणा पत्र जो है 100 रुपये के स्टाम्प पेपर पर लिख कर दिया है। ये अपने आप में पूरे भारत में पहले ही ऐसी पार्टी है जो अपने घोषणा पत्र को साथियों लिख कर दे रही है, और यहाँ से भारी संख्या में महिलाएँ आप वीडियो में देख पा रहे हैं जिन्होंने अपना वोट का समर्थन जो है पूरी तरह से बहुजन मुक्ति पार्टी को देने की बात कही है, और महिलाओं बड़ा उत्साह है यहाँ पर जो है माननीय सुशीला दिनकर जी को लेकर। उन्होंने बहुत पुराने प्रत्याशियों को नकारते हुए, बड़ी बड़ी पार्टियों के प्रत्याशियों को नकारते हुए एक नई और जो है पढ़ी लिखी और बहुजन समाज की प्रत्याशी को चुनने का फैसला किया।